अस्सलामु अलैकुम। बराए मेहरबानी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कभी खुद से हकायक जाने बगैर कोई मफरूजा यानी फर्जी सोच मत कायम करें। हकीकत अक्सर कुछ और होती है और इंसान फर्जी बातों से ही दिल बर्दाश्ता हो जाता है और मोहब्बत नाकाम हो जाती है। किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से बदलने की कोशिश मत करें। मोहब्बत में नाकामी की ये सबसे बड़ी वजह है। सिर्फ़ ज़िंदगी में सेटल होने के लिए मोहब्बत मत करें। जो लोग सिर्फ़ आराम और आसाइश के लिए मोहब्बत करते हैं वो दरअसल मोहब्बत करते ही नहीं। इन्हें सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात दूर करनी होती हैं, जबकि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत में हर रोज़ एक नयापन होता है, मुसर्रत होती है। ज़िंदगी में यकसानियत, ठहराव और जमूद अक्सर मोहब्बत की नाकामी की वजह बन जाता है। जमूद मोहब्बत की मौत है। मोहब्बत एक दूसरे से दलील में जीतने का नाम नहीं। हर एक की पसंद नापसंद अपनी अपनी होती है। एक दूसरे की पसंद और नापसंद का एहतराम ही मोहब्बत की बुनियाद है। मूवीज़, फिल्मों में दिखाए जाने वाली मोहब्बत अक्सर सिर्फ अफसाना होती है। हकीकत पसंद बने, नाउम्मीदी से बचेंगे और जो है उस पर खुश रहेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। मोहब्बत में सिर्फ मोहब्बत ही काफ़ी नहीं होती। एक दूसरे का ख्याल रखना इंसानियत है। जो एक दूसरे का ख्याल नहीं रख सकता मोहब्बत का दावेदार नहीं हो सकता। मोहब्बत में एक दूसरे को समझने के लिए टाइम देना ज़रूरी है। फौरन किसी नतीजे पर पहुंचना बाद में पछताने का सबब बनता है और मोहब्बत नाकाम हो जाती है। मोहब्बत में इतनी वफादारी ज़रूर होनी चाहिए कि इंसान एक को छोड़ के दूसरी जगह मुंह ना मारता फिरे। मोहब्बत में हमेशा गलत सही की बहस ठीक नहीं। एक दूसरे का साथ हासिल करना है तो दरगुजर करना सीखो।